the answer, then you please raise your hand. Okay, right? Okay. So now let us start with the questioning from NCERT. Be quiet. Anji, now yesterday I asked you a question. Only Shantanu. Shantanu gave me the answer yesterday. Is it only invisible? Visible and invisible. Both movements, both molecular movements are important for the life to exist. And give me an example now for the invisible molecular movement. How? What is that invisible movement? Growth of plants is visible, very much visible. Huh? Digestion of food is again visible. Is it not like visible का मतलब ये नहीं है कि हम देख पा रहे हैं नहीं, ठीक है? अगर किसी ने उसको देखा है, नोटिस किया है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं उन चीजों को, है ना? इनविजिबल मूवमेंट होती है वायरसेस में, जैसे वो बोल रहे हैं बेटो. इनविजिबल मूवमेंट होता है जैसे हमारे वायरसेस हैं. वायरसेस का आपको पता है ड्यूअल बिहेवियर होता है. क्या होता है वो ड्यूअल बिहेवियर? जब तक वो होस्ट के बाहर हैं, जब तक वो लिविंग सेल से बाहर हैं, तब तक के लिए वो इनएक्टिव हैं, ठीक है? इनएक्टिव हैं, इनर्ट हैं, कोई काम नहीं करते हैं, कोई फंक्शन नहीं करते हैं, ठीक है? लेकिन जैसे ही वो होस्ट सेल के अंदर गए, वायरसेस, जैसे अभी ये कोविड वायरस चल रहा है ना, होस्ट सेल के अंदर जाके दे बिकम एक्टिव इनफ. बाहर है तो तब तक के लिए ये बिल्कुल इनर्ट है. आपके अगर हाथ पे टच हो रहे हैं, जैसे आपको बोलते हैं ना सैनिटाइजर लगाओ, ये करो वो करो, है ना, तो डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, अगर आपके हाथ पे आपके कपड़ों पे वो वायरसेस लगे हैं तो वो इनर्ट है, ठीक है? दे आर नॉट एक्टिव. बट व्हेन यू टच दोज सबस्ट्रेट्स हैविंग वायरस एंड यू टच दोज सबस्ट्रेट्स विद योर हैंड एंड यू इनगल्फ समथिंग विद योर हैंड अगेन, फ्रॉम दोज फूड पार्टिकल्स इट एंटर्स इन टू द बॉडी, ठीक है? यहाँ आप लोगों ने जैसे अपने हैंड्स है, आपको क्यों मास्क पहनने बोला जा रहा है, ये हैंड्स अगर आप अपने आईज में, अपने माउथ पे, अपने नेजल पैसेज में अगर आप टच करते हो तो वो वायरसेस का एंट्री हो जाए, है ना? एंट्री से ही बचना है हमने बस. अगर एंट्री से बचे हैं तो वी आर जस्ट सेफ फ्रॉम द दिस वायरस आल्सो एंड ऑल द वायरसेस आल्सो, है ना? सो दे आर शोइंग इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट आउटसाइड. लिख लो, ये कॉपी पे लिखो सब लोग. वायरसेस आर द ऑर्गेनिजम्स दैट शोस, वायरसेस आर द ऑर्गेनिजम्स दैट शोज इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट outside the host body but visible molecular movements inside the host body or the cell even, ठीक है? host की body पूरी नहीं चाहिए, कला cell भी एक living structure है, ठीक है? तो ऐसे पॉइंट्स आप लोगों ने लिखी जाने अपने आप. मैं अब यहाँ पे आपको अगर डिक्टेट करके एक पॉइंट दे रही हूँ, डजंट मीन कि मैं सारे डिक्टेट करने वाली हूँ. दिस इज जस्ट वन हिंट कि आप लोग को जो भी मैंने पॉइंट बताया, इफ यू आर नॉट गेटिंग दैट पॉइंट, अगर आपको नहीं आता है वो पॉइंट, तो आपने लिखना है, ठीक है? अब मेरे सामने यहाँ पे जितने बच्चे हैं, जो भी क्लास आपकी स्ट्रेंथ है, इन सब में मुझे नहीं पता कि किसको कौन सा सेंटेंस या कौन सा आंसर आता था कि नहीं, है ना? यू नो इट फॉर यू सेल्फ. आपको अपने लिए पता है कि मुझे ये चीज नहीं आती थी, मुझे लिख लेनी चाहिए, ठीक है? सो नाउ दैट इज योर हार्ड वर्क नाउ, राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. जी नहीं, अगर HCl किल करता होता तो कोई प्रॉब्लम ही ना होती आपको. इवन स्मॉल जो सिंपल हमारा कॉमन कोल्ड वाला वायरस है, उसको भी नहीं किल कर पा रहा है ना? तभी कारण तो हम लोग को इतना कोल्ड हो जाता है और 7 days का पूरा पीक लेके फिर ठीक होना शुरू होता है, बिकॉज दे आर इनएक्टिव. Because they are not inactive, like they are not showing chemical behavior against these things. They are more stronger than us. है ना? तभी तो हमारे को वो खत्म कर देते हैं, हमारा पूरा immune system break कर देते हैं. Okay, now next is what do you understand by the well organized structure in the living organisms? What does this statement mean? Well organized structure. हाँ जी. Well organized structure in the living beings. Every living organism is made up of the tissues.
टिश्यूज आर स्टिल मेड अप ऑफ द सेल्स, सेल्स आर स्टिल मेड अप ऑफ देयर कंपोनेंट्स एंड सो ऑन, है ना। तो ये सारा क्या है, एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, हर चीज एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से बनी हुई है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो इसका मतलब है वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होना। अब हो सकता है आपको क्वेश्चन में पूछे कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट दैट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ द ऑर्गन्स एंड दे आर मेड अप ऑफ द स्पेशल टिश्यूज, द टिश्यूज आर मेड अप ऑफ द सेल, व्हाट ऑफ दीज फॉलोइंग फीचर्स डू दे एग्जिबिट, है ना। तो डू दे एग्जिबिट, दे आर एग्जिबिटिंग द वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, दे आर ऑल्सो एग्जिबिटिंग द डिविजन ऑफ लेबर, दे ऑल्सो एग्जिबिट वॉट, दैट इज द सेलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। सेलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जब हम बोलते हैं सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड हेंस ऑर्गेनिज्म बनेगा, है ना। समझ आ रहा है बेटा साथ साथ में? हाँ जी, जहां नहीं समझ आएगा आप लोगों ने मेरे से पूछना है वापस फिर से, ये नहीं समझ आया पॉइंट बताओ। वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? आपको अगर बोलते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्दर हैज organ system having organs, the well organized organs, organs made up of the simple tissues, that is the specialized simple tissues, jo bhi tissues hai uske, then the tissues are made up of the cells, cells further are made up of the molecules or the biomolecules, you know. To unhone bola ki ye sara kuch hai living organism, what of the following or which of the following features will they be exhibiting because of this organization, what do they exhibit, क्या क्या एग्जिबिट हो रहा है यहाँ से। सबसे पहला एग्जिबिट हो रहा है वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, ये आपकी बुक में लिखी है टर्म, है ना, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ये बुक में लिखा है, राइट। वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, अब जब ये वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर आपको टर्म आ जाएगी, यहाँ आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, बोथ एबीसी, बोथ ए एंड बी आ जाते हैं, नन ऑफ दीज आ जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या सोचोगे कि वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वाला तो हमने कहीं सुना ही नहीं, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड, ओके, यू नेवर नो हाउ द क्वेश्चन इज गोइंग टू कम, राइट। सो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर एग्जिबिट हो रहा है, सेकंड ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिबिट कर रहा है, दिस ऑल्सो एग्जिबिट्स द सेलुलर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ये भी एग्जिबिट हो रहे हैं। और क्या एग्जिबिट हो रहा है? डिविजन ऑफ लेबर, कैसे? क्योंकि हर चीज अपना अपना काम कर रही है ना, कितने सारे सेल्स हैं पर हर सेल को अपना अपना काम मिला है, डब्ल्यूबीसी अपना काम कर रहा है, आरबीसी अपना काम कर रहा है, प्लेटलेट अपना काम कर रहा है ना, ऐसे ही कितने सारे टिश्यूज हैं, कितने सारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, हर एक ने अपना काम करना है ना। ऐसा नहीं है कि सर्कुलेटरी सिस्टम कहता है मैं थक गया हूँ और डाइजेस्टिव सिस्टम अब उसकी जगह पे काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। Everything is organized and everything is doing its own work. That means it is also exhibiting the division of labor. This also exhibits division of labor. ठीक है, तो ये चीजें क्या हैं? That is, these all things they are exhibited because of this organizational levels, right? Now there is one factor that affects this ordered nature of the living organisms, that breaks down, that helps in breaking down. What is that factor? Enzymes तो नहीं है, just think of why the organization, this well ordered nature of the living structure will be distorted or broken down. वायरस कल्ला कैसे तोड़ देगा सारे लिविंग स्ट्रक्चर? ऑप्शन नहीं देना। देयर इज अ फैक्टर, नेम द फैक्टर दैट विच हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ऑर्डर नेचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द इफेक्ट्स ऑफ व्हाट? एनवायरमेंट, वेरी गुड, दिस इज अगेन रिटन इन योर बुक, द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट ओवर टाइम, over the passage of time, it was only environment because of which the living structures were created more and more and more, hai na, kaise jab hi ab hum pad rahe hain aur hum karte hain evolutionary studies, hai na, ab evolutionary studies mein hum kya bolte hain ki jo organism pehle bane the wo simple the aur ab ke jo organism hai wo with complexity aate gaye, matlab kaise yaar, kyunki environmental changes ho rahi thi, environment support nahi kar raha tha un living organisms ko, इसी वजह से नए नए क्रिएचर्स जो है वो बनते गए,
है ना, पुराने वालों को डिस्ट्रक्शन होता गया, ऑर्गेनाइज नेचर था लेकिन वो खत्म होते गए, नए नए क्रिएचर्स बनते गए, कुछ पुराने सर्वाइव किए, कुछ नए बने और सर्वाइव किए, और हेंस हमारे पास आज मिलियंस ऑफ स्पीशीज अवेलेबल है, बोथ प्लांट्स, एनिमल्स, वायरसेस, इन सब चीजों के हमारे पास ढेरों स्पीशीज अवेलेबल है ना, माइक्रोब्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए. सो वॉट इज लीडिंग टू द ब्रेकिंग डाउन ऑफ दिस ऑर्डर्ड नेचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट. वेरी नाइस. हाँ जी, दिस सेज दैट यू पीपल आर स्टडिंग, इफ नॉट देन कीप ऑन राइटिंग द बुलेट पॉइंट्स. ओके, वॉट फैक्टर ब्रेक्स डाउन द ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? हाँ जी, नाउ द नेक्स्ट इज हाँ जी, देयर इज लाइक अ सिंपल ब्लैंक है, ठीक है. द डैश फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनी पर्टिकुलर थिंग, एनीथिंग पर्टिकुलर. द डैश फंक्शंस, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, द डैश फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर. Maintenance functions, जब वो कुछ नहीं भी कर रहे हैं तब भी उनका maintenance function जो है वो चलता रहना चाहिए, ठीक है. The maintenance function should keep on, that should be continued, right? And what continues this maintenance job? Life processes, ठीक है. Life processes की वजह से ये maintenance job चलते रहते हैं. And that is the processes which together perform their maintenance job. They are called as the life processes. जो इस maintenance job को इकट्ठा काम करते हैं. When you are asleep, when you are sitting in the class now, है ना? इस time पे भी आपके body activities क्या हो रही हैं? कुछ भी नहीं. आपकी body activities as such physical activities तो कुछ नहीं हो रही हैं. आपकी activity हो रही है mental और आपकी activity हो रही है physiological. Physiological means you are respiring in and out, है ना? Your body is working inside, all the functions are being obeyed. जैसे churning of the food हो गया, आप सुबह कुछ खा पी के आए होंगे, उसका digestion चल रहा है आपकी body में, heart beat चल रहा है, ठीक है, सारे organs अपने अपने काम कर रहे हैं अंदर, तो that is the physiological functions are going on. Your body at this time, if not physically involved, it is maintaining itself from within. अंदर से maintenance चल रही है, ठीक है. वो maintenance क्या होता है? What is maintenance? कुछ टूट फूट गया है उसको सही कर देना. टूटा फूटा क्या होगा? सेल्स, है ना? तो सेल कॉम्पोनेंट, सेल्स हमारे जहां पे डैमेजेस आते हैं, जहां पे रिपेयर की जरूरत है, वहां पे ये सारी मेंटेनेंस चल रही है अंदर, ठीक है. बॉडी मशीनरी अंदर से चला रही है. डन. ओके, फॉर दिस मेंटेनेंस प्रोसेसेस we also do require the energy, and what is the source of energy for the living organism? Food. Food is the only source of energy, because if we say sun is also the source of energy, but that is far in concern to the energy which is available to us. Agar hum apni baat kare, yahan dusre kisi animals ki baat kare, to wahan pe kya hai energy available? Is food. Kyunki hame khud se synthesize nahi karna, food synthesize hoke aa raha hai plant se hamare paas. Very nice. Okay, what type of the reactions are the most common chemical means to break down the molecules? Both the reactions, oxidizing and reducing. Very nice. It is oxidizing and reducing reactions are some of the most common chemical means to break down the molecules. Okay, what is the method of name the method which is required by the single celled organisms to perform its various functions like nutrition and respiration. Is it diffusion, simple diffusion, facilitated diffusion, or all of these? Simple diffusion. ठीक है, facilitated नहीं है. Facilitated diffusion भी होता है, हमारा cell membrane करता है, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको. वैसे नहीं, osmosis is different. Osmosis is when it is going through the सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. लेट्स से वी हैव अ सेल, ठीक है, एक स्क्वायर बॉक्स सेल है हमारे पास,
उसका एक कलम है ब्रेन, जो अपने इस तरह बनाते हो तो आप सिंगल लाइन से बनाते हो, है ना। वो एक सिंगल मेम्ब्रेन में भी दो लिपिड मॉलिक्यूल्स की लेयर्स हैं, उनके ऊपर नीचे प्रोटीन्स अरेंज हैं, ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये लेट से उसका थिकनेस है, सेल मेम्ब्रेन ये थिकनेस है। अब इसके बीच में, यहाँ पे बीच में इस तरह से मॉलिक्यूल्स प्लेस हैं, जिनको बोलते हैं करियर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के बीच में इस जगह पे, ठीक है, दोनों तरफ मेम्ब्रेन है, बीच में यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अरेंज होंगे जो हेल्प करेंगे। फैसिलिटेटेड का मतलब क्या होता है? फैसिलिटेट करना, है ना, हेल्प करना, डिफ्यूजन प्रोसेस में हेल्प करना, दैट इज फैसिलिटेटेड। किसी चीज को आसान बना रहे, है ना। पहले तो वो अपने आप डिफ्यूज एंड डिफ्यूज आउट हो रहे हैं, और अगर कोई चीज आपको रिसीव करने आ जाए और रिसीव करके आपको छोड़ जाए, स्कूल से एक गाड़ी आती है आपको घर तक लेने आती है, और घर से पूरा प्रॉपर उठा के लेके आती है यहाँ तक, फिर वहां वापस लेके जाती है, कितनी VIP ट्रीटमेंट लगती है ना। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इजी, फ्रॉम डोर टू डोर आप लोग आ रहे हो जा रहे हो, कितना इजी है। ऐसा ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता है। मेम्ब्रेन्स के बीच में करियर मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं कुछ इस तरह, ऐसे पढ़े करियर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये करियर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? दिस इज आउटसाइड ऑफ द सेल, दिस इज इनसाइड ऑफ द सेल। करियर मॉलिक्यूल्स दे ओपन फ्रॉम वन साइड, दे कलेक्ट द सॉल्यूट्स इन, ठीक है। ये ओपन हो गए, गेट्स ओपन हुए इनके, पीछे से ये जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे सॉल्यूट्स आ गए करियर मॉलिक्यूल्स में, अब वापस क्या करेंगे, यहाँ से शट डाउन हो जाएंगे कि वापस फ्लो ना कर जाए और इधर का खुल जाएंगे, एंड द मॉलिक्यूल्स दे कम इन। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ फैसिलिटेशन, फैसिलिटेशन हो गई ना, दैट इज अ फेलिसिटेशन, इज नॉट दैट हैप्पीनेस वाला, बट दिस इज टू जस्ट टू मेक इट इजियर, ठीक है। ये मेम्ब्रेन्स में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात हो रही। सिंपल डिफ्यूजन तो आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स हाई टू लो कंसेंट्रेशन चले जाएंगे और वो अपने आप ही स्प्रेड हो जाते हैं, वो होता है सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। फैसिलिटेटेड भी हमारा सेल मेम्ब्रेन करता है, लेकिन वो कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर लेके जाने के लिए, एंड दैट ऑल्सो सोल्यूट, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स को उठाने के लिए, हाँ ठीक है, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को कैरी करने के लिए, गेटिंग। सो आपको अगर वर्ड आता है डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और नन ऑफ दीज, देन यू विल बी सेइंग सिंपल डिफ्यूजन इन द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स वेयर इट परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एनी ऑर्गन्स, है ना, ऑर्गन्स नहीं होते सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में। तो क्या है वहां पे? सिर्फ मेम्ब्रेन। सिंपल डिफ्यूजन की वजह से कैसे हो पाता है पॉसिबल? वट मेक्स इट पॉसिबल फॉर द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम टू गेट दिस थ्रू सिंपल डिफ्यूजन? यस, द होल बॉडी दैट इज द होल मेम्ब्रेन इज इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद द एनवायरमेंट। ऐसा नहीं है कि उस मेम्ब्रेन के बाहर भी कोई शील्ड है ना, जिससे वो मेम्ब्रेन में नहीं आ पा रही है चीजें, या कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें ब्लॉकेजेस हैं, तो वो डायरेक्ट कंटेक्ट में है एनवायरमेंट में, सीधा एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स कर सकता है, ठीक है। हमारी जैसे लंग्स है, हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या करता है? हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स, लंग्स के अंदर एल्वियोलर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, दे आर नॉट इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद द एयर, है ना, बाहर थोड़ा ना है हमारे एल्वियोलाई, तो अगर वो बाहर होती तो सीधे वहां से ऑक्सीजन लेती रहती, हम लोगों को सांस ना लेनी पड़ती, है ना। वी हैव टू जस्ट पुश अप ऑल दिस एयर इन टू द लंग्स एंड देन थ्रो आउट ऑल द एयर आउट, ताकि हमारा जो साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन है वो चलता रहे, ठीक है। ओके हाँ जी, नाउ द नेक्स्ट इज बाकी जब भी मैं रीड करती हूँ ना लाइंस, मुझे लगता है आपको ये चीजें पता होंगी, पता होंगी, पर कुछ मुझे नहीं पता कितना पता है। हाँ जी, द केमिकल रिएक्शंस दैट क्रिएट द बाय प्रोडक्ट्स विच आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स बट ऑल्सो कैन बी हार्मफुल, दे आर यूजिंग वट टाइप ऑफ द रिएक्टेंट्स फॉर द एनर्जी जनरेशन? वट आर द रिएक्टेंट्स इन वर्ल्ड इन सच केमिकल रिएक्शंस वेयर द बाय प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर यूजलेस, दे आर नॉट ओनली यूजलेस बट ऑल्सो हार्मफुल? हाँ जी, कार्बन बेस्ड, ऑक्सीजन एंड द कार्बन सोर्सेस, राइट।
सो द रिएक्शंस ये एक्सपीरेशन के कंसर्न में है, लिख लो ये भी पॉइंट. द रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ द यूजलेस और हार्मफुल प्रोडक्ट्स दे रिक्वायर द कार्बन सोर्स एंड ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन. दे रिक्वायर कार्बन सोर्स एंड ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन. हाँ जी मेहुल. मैम ये वाला रिपीट कर दो दोबारा. हाँ जी मेहुल बोलो. जस्ट अ सेकंड, आवाज नहीं आ रही. कार्बन सोर्स एंड ऑक्सीजन. हाँ जी मेहुल बोलो. हम ये वाला पॉइंट दोबारा बता दो. ओके हाँ जी. सो दिस इज हाँ मैंने यहाँ पे बोला कि केमिकल रिएक्शंस हो रही हमारी बॉडी में जिनसे कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जिनसे कुछ यूजलेस प्रोडक्ट बन रहे हैं. तो हार्मफुल और यूजलेस प्रोडक्ट कहाँ बन रहे हैं? इन द लास्ट एक्सक्रीशन, जो लास्ट वाला लाइफ प्रोसेस पढ़ा था हमने, वहीं पे हमारे पास यूजलेस और हार्मफुल बनेंगे ना. तो वहां पूछ रहा है कि रिएक्टेंट्स क्या यूज हो रहे हैं. रिएक्टेंट्स क्या हो रहे हैं? कार्बन सोर्स ग्लूकोज है ना. ग्लूकोज अगर ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और वो हमारे लिए यूजलेस है. दैट इज ऑफ नो यूज फॉर अस है ना. प्लांट्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, हमें थोड़ा ना चाहिए, हमारे लिए यूजलेस है. और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं रिएक्शन से जो हार्मफुल हो सकते हैं, जैसे हमारे अंदर यूरिक एसिड वगैरह बन जाए तो है ना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में. तो यहाँ पे सिंपल उसने ये पूछा, क्वेश्चन क्या था मेरा यहाँ पे कि which of the chemical reactions, that is sorry, what are the reactants in the chemical reactions in which the byproducts are useless and harmful. Byproduct useless or harmful hain, to uske reactants kya honge? So reactants kya honge? That are the carbon sources and the oxygen for energy generation. Ye bhi saath bola usne. Aur energy kahan banti hai? Respiration se, hai na? Chalo, next is your in-text question of the book only. That is why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like humans? Because the humans, they have the more complex structure, because they have the, yes, the organ of respiration or exchange of gases that is not in direct contact with the environment or the air, right? It is very much protected or energy more chahiye because we are multicellular and most complex organisms. Okay? And our energy requirement is more. So to complete those energy requirements, we need to get more oxygen. Right? And the diffusion is a very slow process that will not accomplish our requirements, and hence we do not have the diffusion as a process to meet up the oxygen requirements of multicellular organisms. What criteria do we use to decide whether something is alive? Molecular movements. You know? Molecular movements says us that it is either having visible or invisible. Jo bhi tarah ki hamare paas movements hai, agar exhibit ho rahi hai, to wo alive hai. Virus ko hum kabhi dead nahi bolte. You know? Hum usko alive bolte hai. In spite of saying ki wo invisible molecular movements bhi deta hai. ठीक है, ओके. व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म? आउटसाइड रॉ मटेरियल्स कौन कौन से? एयर है, ऑक्सीजन है. यहाँ पे उसने बाय एन ऑर्गेनिज्म बोला है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा. ऑर्गेनिज्म तो कुछ भी हो सकता है. कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, फूड, वाटर, मिनरल्स, नाइट्रोजन. हाँ, नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट यस. और सो दीज आर द रॉ मटेरियल्स विच आर यूज अप बाय द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जो बाहर से लिए जाते हैं, जो हमारे अंदर सिंथेसाइज नहीं होते. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? लाइफ प्रोसेसेस. ऑल द मेंटेनेंस जॉब्स पुट टुगेदर दे आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस. वेरी गुड. हाँ जी, फीलिंग कंफर्टेबल विद बायो और नॉट? यू कीप ऑन दिस प्रैक्टिस गोइंग ऑन, राइट? बिकॉज विद टाइम वी विल बी लुकिंग फॉर मोर एंड मोर क्वेश्चंस.
एज आई विल बी हैविंग मोर एंड गुड क्वेश्चंस इन माय हैंड आई विल बी डिस्कसिंग दोस। ठीक है, जैसे जैसे मेरे पास एक गुड कलेक्शन होती गई क्वेश्चंस की, वैसे वैसे मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन करूंगी। एंड ऑल्सो असर्शन रीजन इज ऑल्सो देयर, तो असर्शन रीजन भी आपको करवाना है हमने। ठीक है, उसकी भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। बहुत सिंपल सेंटेंसेस में भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे नहीं पता क्यों। क्वेश्चन पेपर में बोथ द साइड क्वेश्चन असर्शन रीजन वॉज ओनली वन ऑफ फाइव, है ना, पांच में से सिर्फ एक एक थी असर्शन रीजन, लेकिन वो भी काफी बच्चों ने रॉन्ग दी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग की 35th क्वेश्चन सबका सही 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 जाएगा, बट इट वॉज ऑल रॉन्ग। मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे पुट इट रॉन्ग। आई डोंट नो व्हाई यू गेट कंफ्यूज्ड अमंग इज द ए एंड बी ऑप्शंस, ए और बी में गवा जाते हो अभी, पता नहीं क्यों है? वो बहुत पास पास का डिसीजन होता है, बट मैंने आपको उसका तरीका भी बताया था कि रीजन जस्टिफाई करती है कि नहीं, एक्सप्लेनेशन होती है कि नहीं, उसके लिए देखा करो इज इट अवेलेबल फ्रॉम द सेम टॉपिक, सेम टॉपिक, सेम सब टॉपिक, सेम जगह से आ रही है अगर दो चीजें, तो वो कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करती हैं एक दूसरे को, है ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि आई एम टॉकिंग अबाउट असर्शन इज अबाउट द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड द रीजन इज अबाउट द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, दे आर फॉर टॉपिक्स, है ना, भले ही वो रेस्पिरेशन का है बट उसका सब टॉपिक तो डिफरेंट हो गया। अगर मैं बोलूँ कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस में ही दोनों लाइनें बोली हैं, है ना, एंड दैट ऑल्सो कंसर्न टू वन सिंगल टॉपिक, लेट्स से इनहेलेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन, तो वो सब टॉपिक सेम हो गया। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की तुम पांच लाइंस लिखोगे ना, वो पांचों की पांचों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रही हूँ, इंटरकनेक्शन होता है ना। तो मतलब ये है कहने का कि दिस इज जस्ट अ वेरी स्मॉल लिटल यू कैन से प्रैक्टिस बाय विच यू कैन से कि रीजन जस्टिफाइज द असर्शन दैट गिव्स अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन इफ दे कम आउट फ्रॉम द सेम सब टॉपिक। ठीक है, चलो फर्दर वील कंटिन्यू एंड द पेज नंबर्स आई विल टेल यू, आई विल आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम दीज पेजेस एज वेल एज द फर्दर। ठीक है, टुगेदर, राइट। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड, गुड बाय।